नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस में आजकल कैसे हालचाल हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कई तरफ से असंतोष के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं और एक भीतर ही भीतर चर्चा चल निकली है कि जितना नेतृत्व के मसले को डिले किया जाएगा, टाला जाएगा, उतना पार्टी का संकट दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। परिणाम सबके सामने हैं। अभी हाल में दिल्ली में जो कुछ हुआ है उसके बाद से पार्टी के भीतर खलबली है, हड़बड़ाहट है और बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मुंबई प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा, जो मुरली देवड़ा के बेटे हैं और उन चेहरों में शामिल हैं जो राहुल गांधी के करीबी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चेहरे रहे हैं कांग्रेस में, ख़ास तौर से जो यूथ ब्रिगेड मानी जाती है, जो राहुल गांधी की विश्वास पात्र रही है, उनकी कोर टीम का हिस्सा रही है। कई चेहरे ऐसे थे जिनको डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो दूसरी सरकार थी उसके कार्यकाल के उत्तरार्ध में मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया था। तो मुरली देवड़ा जाने माने उद्योगपति रहे, पहले केंद्र में पेट्रोलियम मंत्री भी रहे और जो उनके बेटे हैं वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। जाहिर है राहुल गांधी की जो किचन कैबिनेट मानी जाती है उसका भी हिस्सा थे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो जारी किया और उनके विजन को लेकर के उनकी प्रशंसा की है। इस पर जो दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं अजय माकन और जो मीडिया सेल के प्रभारी भी रहे हैं रणदीप सुरजेवाला से पहले, उन्होंने रिएक्ट किया है और मिलिंद देवड़ा की आलोचना की है। तो ये जो जद्दोजहद है, ये जो बहस है, ये जो आरोप तराशी का सिलसिला है और संगठन के भीतर जिस तरह की चीज़ें शुरू हो गई हैं, ये क्या संकेत देती हैं? इनसे एक बड़ा स्पष्ट संकेत मिलता है कि कांग्रेस में दिल्ली की घटना के बाद से एक हड़कंप की स्थिति है। एक बड़ा वर्ग है नेताओं के भीतर भी जो ये मानने लगा है कि अगर कांग्रेस की यही हालत रही, इसी तरह लुंज पुंज की अवस्था रही, नेतृत्व विहीनता रही और नीतिगत मामलों में जो फैसले नहीं लिए जा रहे हैं वही स्थिति रही, तो ये चीज़ें बढ़ेंगी और इससे पार्टी का और बेड़ा गर्क होगा। एक वर्ग ये भी है कांग्रेस में जो कह रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल, चूंकि आपने दिल्ली में उनके लिए रास्ता साफ कर दिया ताकि भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके, इसलिए वो उन प्रदेशों में सक्रिय होंगे जहां कांग्रेस का ऑलरेडी जनाधार सिकुड़ रहा है। जो हिंदी पट्टी के प्रदेश हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी मेनली सत्ता में है और विकल्प के तौर पर जहां कांग्रेस को ही जनता चुनती है, उनको छोड़ दें तो बाकी प्रदेशों में जहां जहां वो मार्जिनलाइज हो गई है, सिमट गई है, उस जनाधार पर कब्जा करने के लिए अरविंद केजरीवाल देर सवेर सक्रिय हो सकते हैं। और ऐसा मानने वालों के तर्क ये हैं कि अपने शपथ ग्रहण समारोह में अरविंद केजरीवाल ने ना तो कांग्रेस के नेताओं को आमंत्रित किया है, ना विपक्ष के उन चेहरों को आमंत्रित किया है जो अतीत में अरविंद केजरीवाल को अपने शपथ समारोह में या कार्यक्रमों में बुलाते रहे हैं, चाहे उनमें ममता बनर्जी हो, चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे सीताराम येचुरी हों। दूसरे चेहरे गिनाए जा सकते हैं जो जिनके समारोहों में अरविंद केजरीवाल जाते रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने शपथ समारोह में उनको नहीं बुलाया, क्योंकि वो जो राष्ट्रीय राजनीति में दखल देना चाहते हैं और अलग अलग प्रदेशों में जाकर के
अपनी मुहिम शुरू करना चाहते हैं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करना चाहते हैं, उसमें किसी तरह की बाधा ना आए, उसमें किसी तरह की ये जो दोस्ती है, ये जो अंडरस्टैंडिंग रही है अतीत में, ये आड़े ना आने पाए। जो राजनीति के जानकार हैं उनका कहना ये है कि अरविंद केजरीवाल अभी से उन तमाम प्रदेशों के जो नेता हैं उनसे एक डिस्टेंस बना रहे हैं, एक दूरी बना रहे हैं रणनीति के तौर पर। और इसमें सबसे बड़ा ख़तरा अगर किसी को है तो वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस का ही मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ होता रहा है और कांग्रेस का नेतृत्व चूँकि कमज़ोर है और उस तरह का तेज तर्रार नेतृत्व जैसा आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल के तौर पर मिला है, जो क्षेत्रीय दल हैं वो उनमें भी दिखाई नहीं देता है और कांग्रेस में भी दिखाई नहीं देता है। तो यही कारण है कि कांग्रेस के भीतर परेशानी महसूस की जा रही है और उन्होंने पोजिशनिंग लेनी शुरू कर दी है। ये चीज़ें, ये स्थितियाँ, परिस्थितियाँ कांग्रेस का संकट निकट भविष्य में और बढ़ाने वाली हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें, और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।